इस बार लग रहा है कि कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, क्या लग रहा है पूर्वांचल में कुछ हो सकता है कांग्रेस का? जी काजोल, आपको बात आपको बता दें कि एक तमकुही राज की जो सीट है, कांग्रेस अपना खोया जनाधार वापस पाने के चक्कर फिराक में इस चुनाव मैदान में है। एक सीट अगर बात करें कि अजय कुमार लल्लू की जो प्रदेश अध्यक्ष है तमकुही राज से, वो सीट शायद निकल जाए और निकल सकती है कांग्रेस की, लेकिन उसके बाद पूर्वांचल में कोई भी सीट निकलने की स्थिति में कांग्रेस नहीं नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशियों ने कोई दम नहीं लगाया। और संत कबीर नगर में हम देख रहे हैं, और जो सैजनवा विधानसभा है गोरखपुर की, वहाँ भी मनोज यादव को कांग्रेस ने टिकट दिया है, वो बागी होकर समाजवादी पार्टी से चुनाव मैदान में आए हैं। और खलीलाबाद सीट पे कांग्रेस जो है डॉक्टर अमरेंद्र पांडे को उन्होंने टिकट दिया, और संगठन से शांति देवी लड़ रही है कांग्रेस से, तो कहीं दमखम नहीं नजर आ रहा। खाली एक सीट अगर पूर्वांचल से बात करें तो अजय कुमार लल्लू जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो सीट निकलती जा सकती है, निकाली जा सकती है। और दूसरी बात भले की आपको बता दें काजोल कि पूरे पूर्वांचल में एक सीट बड़े दमदारी से आम आदमी पार्टी लड़ रही है, और यहाँ पर आपने पीछे देखा होगा खबरों में कि संजय सिंह जो है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और बड़े बड़े मंत्री जो है, आपने तो संजय सिंह से साफ तौर पर बात भी की थी और ये खबर भी हमने चलाई थी, और वाकई तारीफ करनी पड़ेगी कि ऐसे समय पे आप पहुंचे वहां पर और बहुत मुश्किल से वो बाइट आप ले पाए थे। हमने वो बाइट चलाई, हमने देखा है जद्दोजहद, लेकिन हम इस पर ही आ रहे थे, मैं इस पर ही आ रही थी आम आदमी पार्टी पर ही, क्योंकि आप लगातार बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भी थोड़ी मजबूत तो नजर आ रही है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी मजबूत, खाता खोलने में कामयाब हो जाएगी। देखिए काजोल, ये तो भविष्य के गर्भ में है, तो 10 तारीख को पता चलेगा जब काउंटिंग होगी कि आम आदमी पार्टी ने कितना यहाँ दम लगाया है, जबकि केंद्र दिल्ली सरकार के बड़े बड़े मंत्री और राज्यसभा सांसद यहाँ डेरा डाले हुए थे और उन्होंने जम के कैंपेनिंग की। और यादव समाज के एक बड़े नेता है जयप्रकाश यादव, वो समाजवादी पार्टी में जो है कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, वो भी पूरा चुनाव भर उन्होंने भी पसीना बहाया है खलीलाबाद विधानसभा सीट में। और यहाँ युवाओं का जो जो देखने को मिला है, जो वो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी यादव की तरफ उनका जो देखने को मिला है, तो वो कितना जो है कन्वर्ट हो पाता है, जो भीड़ देखने को मिली है वोट में कितना कन्वर्ट होती है, ये देखने वाली बात होगी। ये तो 10 तारीख को पता चलेगा, लेकिन काफी मजबूत स्थिति में आम आदमी पार्टी भी लड़ती नजर आ रही है। जी काजोल, बिल्कुल हेमंत जी, अगर देखिए इस चरण को हम समझने की कोशिश करें तो अभी यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर ने मतदान किया है और कहा है कि हम पूर्वांचल के 153 में से 125 सीटें तो निकाल ही लेंगे। सुभाषपा 2017 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रही थी, आज सपा के साथ लड़ रही है, तो ऐसे में जो बीजेपी है वो निषाद पार्टी के साथ बनी हुई है, सपा गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। पूर्वांचल में अगर देखा जाए तो बीजेपी का ये गढ़ माना जाता रहा है हमेशा से, पूर्वांचल पर अच्छी पकड़ है बीजेपी की, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि सपा खूब सेंधमारी कर रही है, इन्हीं गठजोड़ का असर है हेमंत जी, इन्हीं गठजोड़ का असर है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और जिस तरह से निषाद पार्टी और बीजेपी एक साथ होकर चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन कई आरोप भी बीजेपी निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद पे पैसा लेकर टिकट बांटने का समाज में लगता नजर आया है, और ये चर्चाएं भी रही है समाज में कि डॉक्टर संजय निषाद ने निषाद समाज को नहीं और अधिकतर टिकट जो है पैसा लेकर दूसरे समाज के लोगों को दिया है, भले ही निषाद समाज की बात डॉक्टर संजय निषाद करते रहे हो, लेकिन पूर्वांचल में और जैसे पश्चिम में देखा गया है कि पूरा अगर कमोबेश हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने की लड़ाई लड़ती नजर आई है। बाकी अगर कांग्रेस की बात करें तो अपनी जमीन तलाश रही है, खोया हुआ जनाधार वापस पाने के लिए जो है एड़ी तक से चोटी का जोर लगा रही है। अगर पूर्वांचल की बात करें तो पूरे पूर्वांचल में 10 सीटों पर जहां आज मतदान हो रहा है वहां सीधी टक्कर जो है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के पूरे पूर्वांचल में नजर आ रही है, और कड़ा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को होगा। भारतीय जनता पार्टी की मैक्सिमम पूर्वांचल की सबसे अधिक सीटें थी पिछले चुनाव में, लेकिन अब की चुनाव में लगभग बराबर का कांटे की टक्कर है और बराबर की सीटें दोनों दल जो है ला सकते हैं।